दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया ही नहीं बताऊंगा कि कैसे बनना है, वो सारी अंदर की बातें, वो डिटेल्स, वो एविएशन इंडस्ट्रीज की ग्लैमर और फ्रस्ट्रेशंस, जॉब डिप्रेशंस, वो सारी बातें मैं बताऊंगा जिससे आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ यार मुझे इस एविएशन इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो आपका मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th में भी साइंस बैकग्राउंड से पीसीएम में मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और बात सिर्फ 60% मार्क्स की नहीं है कि अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आए तो आप इस फील्ड में अच्छे हैं या जा सकते हैं या जाने लायक है, नहीं, साथ में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना चाहिए। बेटर भी नहीं कहूंगा, बेस्ट होना चाहिए, मींस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी सिर्फ किसमें, इंग्लिश में। और यहाँ पे आपका फिटनेस बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो है वो एयरफोर्स से आए हुए ट्रेनर्स आपका टेस्ट लेते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप हल्के में नहीं ले सकते इस चीज को। तो यहाँ पे क्योंकि रीजन इज दैट कि इतने सारे लोगों की जान आपके हाथों में टिकी हुई है, ना जमीन में, ना पानी में, आसमान में, मतलब कुछ भी मिस आउट हुआ तो सीधा हम मूव करते हैं कि इसमें हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए अप्रोप्रिएट, और वेट भी आपका इसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए जो एज लिमिट के हिसाब से होती है। सिटिंग हाइट जो है आपका 82 सेंटीमीटर से 96 सेंटीमीटर होना चाहिए। टाइट लेंथ मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर ये सब ठीक है तो आपको एक अच्छे से रेपुटेड फ्लाइंग स्कूल्स में वहां पे जाके सीखना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं तीन चीजों पे, थ्री टाइप के पायलट्स आपको बेसिकली लाइसेंस मिलेंगे, जैसे कि एसपीएल हो गया, पीपीएल है और सीपीएल। तो सबसे पहले बात करते हैं एसपीएल की, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जिसमें आपका एज रिक्वायरमेंट जो है वो 16 और इसके ऊपर। पीपीएल जो है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, इसमें आपका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 17 है और उससे अबव। इसमें आपका टोटल 60 आवर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद जो है वो कमर्शियल सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, इसमें आपका 200 hours की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है जो कि डे बाय डे या फिर मैं कहूँ टाइम बाय टाइम, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे बनेगा। तो आप डीजीसीए की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं कि कितने आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि वो ट्रेनिंग नॉट कम्प्लीटली आपका एयर में नहीं होता, कुछ थ्योरेटिकल होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल्स होती हैं। तो सबसे पहले ये मेक श्योर रखिए कि आपका डीजीसीए में जाके आपको 2 medical टेस्ट कराने होंगे, फर्स्ट और 2। ये इसमें कुछ टेक टाइम्स लगता है, जिसमें आप डीजीसीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डॉक्टर की लिस्ट होगी जिसमें वो खुद चुनते हैं, जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, वो प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं। तो उसके थ्रू आप मेडिकल टेस्ट करते हैं। जो 1 है वो थोड़ा इजी है, बट 2 जो है वो, उसके लिए आपको बेसिकली एयरफोर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आके चेक करते हैं, तो आपको मेडिकली बहुत फिट रहना है। उसके बाद जितने भी फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनके अपने टेस्ट होते हैं, तो वो आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें मेक श्योर उसका सिलेबस जो है वो 9th से लेके 12th तक साइंस और मैथ्स इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। इतना भी नहीं है कि आपको लगेगा कुछ बड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत से पायलट से, मेरे फ्रेंड है बेसिकली यूट्यूबर्स हैं एक, तो आपका सिर्फ 9th और 12th तक का सिलेबस ही उसमें कवर करना है। अब इसके बाद आता है कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप देखिए कि आपको किस किस फ्लाइंग स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है, और मेक श्योर कि आप डीजीसीए की वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि वो लिस्टेड हैं कि नहीं है, कि जब आपको लाइसेंस मिले तो वो वैलिड हो। और जब आप इसमें एडमिशंस लेंगे तो तकरीबन ये 18 मंथ या फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम, इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाता है इसमें, तो आपका तकरीबन 14 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि ह्यूमन फैक्टर्स, नेविगेशंस, मेट्रोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है 200 hours की फ्लाइंग आर्ट्स आपको ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। उसके बाद जाके आप कमर्शियल पायलट बनते हैं, लेकिन ये भी एंड नहीं है, यहाँ भी आप जाके सिर्फ आधे अभी कमर्शियल पायलट बनते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सीपीएल का तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जिस भी कंपनी में आप जाएंगे उसके अपने कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग जो है, जितने भी एक्सपर्ट्स मैंने जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, जो कोच थे, जो ट्रेनर्स थे, जो पायलट्स थे, उन सब ने कहा कि आपको स्टार्टिंग में स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया,
गोयर, इनमें ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आपका यहाँ पे स्टेप इन के तौर पे आपको स्टार्टिंग में 25,000 से 30,000 मिल जाता है। उसके बाद जूनियर फिर सीनियर, उस रैंक में अगर आप जाते हैं तो सैलरी जो है वो 1 से 2 लाख, या फिर सीनियर में चले गए तो 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख, लाइक इस रेंज में आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। प्रमोशंस भी हाई होता है। लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे वो ज्यादातर आपको पहले से शेड्यूल रहता है कि कौन सी फ्लाइट आपको लेनी है और कहाँ से कहाँ जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा ट्रैवल में रहना पड़ेगा, जिससे आप घर से थोड़ा सा दूर रहेंगे। संडे आप ज्यादातर इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो शेड्यूल रहता है वो बेसिकली 8 डेज का रहता है, मींस कि आप 6 डे फ्लाई करेंगे और 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, और ऐसा कुछ शेड्यूल रहता है इनका। तो बेसिकली इसमें टफ कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि ये आईटी की जॉब है कि आप ली और चले गए। यहाँ पे ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि आपका बजट ये होना चाहिए 60-70 लाख रुपीज आपको कोर्स करने में लगेगा, अगर आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है तो। स्कॉलरशिप है वो बहुत माइनर लेवल पे है, लाइक एससी एसटी और जनरल में भी बहुत कम लोगों में है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। साथ में सिर्फ अगर आप सोचेंगे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो ले लिया, सारा प्रोसीजर कर लिया, सब कुछ बेटर है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी बहुत अच्छी है, तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं। उस टाइम भी आपको स्ट्रगलिंग तो पीरियड हर एक फील्ड में होता है, तो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 20 लाख रुपए होने चाहिए ये करने के बाद भी, 20 नहीं तो कम से कम 15 लाख रुपए जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में, क्योंकि उस टाइम आपको वो स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस होंगे, आप बार बार अपने घर से दूसरे सिटी में जाएंगे, फ्लाइट से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पायलट बनने जा रहे हैं तो ट्रेन से दूसरी सिटी थोड़ी जाएंगे किसी से मिलना है, तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, लोग नहीं मिलेंगे उस टाइप के, फिर आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बहुत ही फैशनेबल और हाई क्लास कोर्सेस है, मैं तो ये कहूंगा। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें हैं तभी बन सकते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ जज्बा और जुनून से ही आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ चीजों को ध्यान भी रखना पड़ता है कि हाँ ये सारी चीजें नीड मैं फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं स्कॉलरशिप ले पाऊंगा नहीं। तो कुछ ऐसे बेस्ट स्कूल्स हैं जो मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि NFTI नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, या फिर IGRUA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, MPFC मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, AAA अहमदाबाद एविएशन, एरिनोट्स, BFC बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, ये सब बेस्ट है जहां से आप अपने लाइसेंस ले सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 3 बातों का बेसिक ध्यान रखिए। पहला है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पायलट बन रहे अब मैं ठीक कर लूंगा, भाई यहाँ तक तो ठीक कर नहीं पाए, तो ये मेक श्योर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाएगा, तकरीबन 70-80 लाख रुपए यार कम नहीं होते हैं। दूसरी चीज कि आपको मेडिकली बहुत फिट रहना है, क्योंकि 2 एंट्रेंस टेस्ट निकालने हैं आपको मेडिकल वाले, जो कि DGCA की वेबसाइट पे लिस्टेड है डॉक्टर्स के थ्रू, वो फिर दोबारा आपका दूसरा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फ्लाइंग स्कूल, कि जिस किस स्कूल से आप ये कोर्स कर रहे हैं, और साथ में ये ध्यान रखिए कि रिव्यू रेटिंग से ज्यादा बेटर है कि जो स्टूडेंट वहां से पास आउट हुए हैं फेसबुक पे इंस्टा पे उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि यार इतना पैसा खर्च करने से पहले 1-2 दिन 10 दिन की मेहनत करना बहुत जरूरी है। कांटेक्ट करके उनसे पूछिए कि कैसा स्कूल है, नॉट इवन एक ही कॉलेज से, एक ही स्कूल से, आप अदर स्कूल से पता करिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको जाना है। और साथ में स्कॉलरशिप के लिए जरूर पता करिए कि इसके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है जहां से आप इसकी फीस कम करवा सकते हैं, क्योंकि यार बहुत एक्सपेंसिव है ये कोर्स। एविएशन इंडस्ट्री, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आने वाले 10 से 15 सालों में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज बन जाएगी। मार्च 2018 के मुताबिक इंडिया में 550 कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट हुए हैं। साथ में जो एयर ट्रैफिक है वो तकरीबन 15.8% से ग्रो कर रहा है, और 2017 में टोटल पैसेंजर 264 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में वर्ल्ड की लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री है बनने वाली। साथ में 2017 में FDI का इनफ्लो, मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 1600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशंस DIPP के अकॉर्डिंग। ये तो बात हो गई ग्रोथ की, अब बात करते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो सबसे पहले आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। इनका मेन काम होता है कि कोई भी एयरलाइंस आपस में क्रैश ना हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 60% ऑफ ग्रेजुएशन, साथ में आपको एक कोर्स करना पड़ेगा द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंड के ATCO के अंडर में, जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, और सिर्फ ये इंडियन नेशनल विद मिनिमम 60% मार्क्स जो एलिजिबिलिटी है इसकी। साथ में जो एज है वो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 27 और OBC से हैं तो 30 साल, और SC ST से हैं तो 32 ईयर्स। इसके बाद आता है एयरपोर्ट क्लीनिंग जॉब, जिसमें एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनर या एयरक्राफ्ट डिटेलर, जो कि बाहर से क्लीन करते हैं। उसके बाद आता है एजेंट्स,
रिजर्वेशन सर्विस एजेंट, पैसेंजर सर्विस एजेंट, उसके बाद आ जाता है कॉकपिट और कैबिन स्टाफ जैसे कि पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, रीजनल सेल्स मैनेजर, उसके बाद आता है फ्लाइट डिस्पैचर। इनका काम होता है सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स, जो बेसिकली फ्लाइट्स के प्लान शेड्यूल करते हैं कि वेदर क्या होगा, डिस्टेंस कितना रहेगा। उसके बाद आता है ग्राउंड एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फ्लाइट में पेट्रोल डालना, उसका ओवरऑलिंग मेंटेनेंस करना। उसके बाद आता है पैसेंजर सर्विस एजेंट, ये बेसिकली रिफंड करना, टिकट के चार्जेस डिसाइड करना, कस्टमर से डील करना, इनका काम होता है। उसके बाद आता है रैंप प्लानर। रैंप प्लानर का वर्क है कि उसको ये बताना कि अराइविंग और डिपार्चर का क्या टाइम रहेगा फ्लाइट्स में। उसके बाद आता है रिजर्वेशंस सेल्स एजेंट, या आपको फोन पे डिसाइड करते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, आपका मील क्या रहेगा, शेड्यूल क्या है आपका। अब दोस्त बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप एविएशन इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं तो। तो दोस्तों पहला है सिक पे, ये बेसिकली वीकली पेमेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीकली पेमेंट मिले तो सिक पे एक फैसिलिटीज है जिसके थ्रू आपको वीकली पेमेंट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, चाहे वो स्पाइस जेट हो, एयरवेज हो, इंडिगो हो, गो एयर हो, एयर एशिया हो, विस्तारा हो, ये सारी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आता है वेकेशंस पे, जब आप वेकेशंस पे होते हैं तब भी आपकी सैलरी चल रही होती है। उसके बाद है कॉम्प्रेहेसिव मेडिकल्स, आपको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है, जहाँ पे आप जाके अपना फ्री चेकअप, वो सारी चीजें फ्री में बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद है बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, आपका एक लाइफ इंश्योरेंस रहता है, जब आप इन केस कुछ मिस हैपनिंग हुई तो आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट मिलता है, और नहीं हुई तो एट द मैच्योरिटी आपको बहुत सारा पैसा मिल जाता है। फिर बेसिक एक्सीडेंटल डेथ, इस पे भी आपको बहुत बड़ा एक कवर होता है, रिस्क कवर, जिसमें आपको बहुत ह्यूज अमाउंट मिलता है। फिर रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं इसमें बहुत सारे, कि आप रिटायरमेंट पे किस तरीके से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो पेंशन पे में हो या लमसम बेसिस हो। उसके बाद है फ्री एयर फेयर ऑफ एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली, आपको एयर फेयर मिलता है, नॉट इवन ज़्यादा, बट हाँ एक लिमिट होती है कि आपको वन ईयर में इतनी टिकट्स फ्री मिलेंगी। साथ में डिस्काउंट होता है एयर फेयर ऑफ एम्प्लॉई, या फिर खुद के या फिर अदर किसी भी एयरलाइंस में। और साथ में मैंने हाउ टू बिकम अ पायलट, कमर्शियल पायलट, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना, जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल, पार्ट टाइम में अर्निंग और नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वी मेक क्रिएटर्स चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।